धरमजयगढ़ विकासखंड के आदिवासी समुदाय की महिलाएं शराबबंदी की मांग लेकर अब एकजुट होती नजर आ रही हैं। बीते दिनों गेरसा की महिलाएं गांव में पूर्ण शराबबंदी को लेकर धरमजयगढ़ थाना पहुंची थी, तो वहीं 5 जुलाई को ग्राम पंचायत बागडाही की महिलाएं अपने परिवार वालों की शराब की लत छुड़ाने धरमजयगढ़ थाना का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में ग्राम पंचायत बागडाही की महिलाओं ने बताया कि उनके पति रोज शराब पीकर घर में मारपीट करते हैं, साथ ही शराब के लिए रुपए ना देने पर झगड़ा अधिक बढ़ जाता है, जिससे कई बार तलाक तक की नौबत आ जाती है। नवयुवक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में इस गांव की महिलाओं ने अपने परिवार के शराबियों को सुधारने का मन बना लिया है और पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही है। धरमजयगढ़ थाना पहुंची महिलाओं ने आगे बताया कि इससे पूर्व में कई बार शराबबंदी के लिए गांव में बैठक की गई, किंतु कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। अब इन महिलाओं ने सीधे थाने का रुख किया है। लोग गांव में दारू को बहुत ज्यादा बनाते हैं और लोग कराते हैं, घर में दंगबाजी करते हैं ना, कौन को चावल दे, नहीं तो पैसा दे, पैसा नहीं है तो चावल दे, ऐसे ऐसे बोलते हैं, नहीं देते हैं तो मारपीट करते हैं। तो इसको हम लोग गांव में तो कर भी देखे हैं शासन, लेकिन गांव के आदमी लोग नहीं मार रहे, इसलिए हम पुलिस द्वारा से बोल रहे हैं। यहाँ के पुरुष मन दारू पीते हैं, परिवार लभी दंगरदासी करते हैं, लोग लड़का ला मार पिटाई करते हैं, और महिला में लभी आते तहन दारू पी के आते तो झगड़ा लड़ाई करते हैं, और हमें लपिए हमें झगड़ा लगा नहीं दे हो तो मैं बस मारपीट करते हैं। और हमें तो गांव ला सुधारे बार कई घर हमें मीटिंग बुला तहन सफा करो अथन, लेकिन बस ओला तो नहीं माने, तो हमें कहें कि गाँव ला तो मैं निजायत नहीं करूँ, मतलब कि गांव में नहीं सुधरे तो हम थाना जाबो और रिपोर्ट करबो और थाना ले आही तो मैं ला सुधारी। गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट, धरमजयगढ़ रायगढ़ से।